नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो 28 ज़िले हैं उसको याद करने का बेहतरीन ट्रिक, ठीक है। मैप के थ्रू बताऊँगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। हालांकि दोस्तों मैप जो है, जितने भी ज़िले हैं उसके जो क्षेत्रफल हैं कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपको जो है 2-3 बार आप प्रयास करेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको है ना एक मैप जो है एक ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके एक ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको एक छत्तीसगढ़ का मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से उसके बाद दोस्तों इसको संभाग में मैं कन्वर्ट करूँगा। तो ये हो गया आपका बस्तर संभाग, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला दोस्तों दो संभाग में बांटेंगे, ठीक है, दुर्ग और एक रायपुर, ठीक है। अब उसके बाद आ गया आपका बिलासपुर संभाग, यहाँ से बिलासपुर संभाग, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों देखिए खींच दिए। अब उसके बाद हम लोग को पहले दोस्तों क्या बनाना है, दुर्ग और रायपुर संभाग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको दो डंडी या दो रेखा खींचना पड़ेगा, एक और ये एक दो, ठीक है। अब इसको दो भागों में हम लोग को बांटना पड़ेगा, ये एक भाग बना दिए और एक ये दो भाग बना दिए, ठीक है, है ना। ये आपका और ये जो ऊपर का डंडी है यहाँ से इसके जस्ट ऊपर से, मतलब यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच दिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका दुर्ग संभाग, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, कवर्धा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका बेमेतरा, ठीक है। ये हो गया आपका दुर्ग, ये हो गया आपका बालोद, ठीक है, और ये हो गया आपका राजनांदगांव, ठीक है। राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है दोस्तों, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद ये बेमेतरा है, इसके जस्ट ये लाइन है, उसके ऊपर से एक ऐसे करके हम लोग को रेक्टेंगल यहाँ से जोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद ये दुर्ग है, हैं, यहाँ से जो लाइन है इसके ऊपर से एक खड़ी डंडी ऐसे, और उसके बाद इसको ऐसे करके हम लोग को जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने के बाद यहाँ से हम लोग को एक रेखा ऐसे करके लेना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक ऐसे जोड़ देना है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया आपका रायपुर संभाग, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका बलौदा बाज़ार, ठीक है, बलौदा बाज़ार। ये हो गया आपका रायपुर, ठीक है। रायपुर के बाद ये हो गया आपका धमतरी, ठीक है। ये हो गया आपका महासमुंद, ठीक है, और ये हो गया आपका गरियाबंद, ठीक है, बनेगा दोस्तों, एकदम इजी है दोस्तों, आसान है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग बनाने के लिए धमतरी को रेफरेंस मानना पड़ेगा, ठीक है। रेफरेंस कैसे माने, यहाँ से ऐसे करके एक डंडी ऐसे खींचें, ठीक है। उसके बाद एक तो डंडी ऐसे, उसके बाद यहाँ से एक लकीर, और उसके बाद यहाँ से एक लकीर ऐसे, उसके बाद एक डब्बा हम लोग को ऐसे बनाना है, ठीक है, देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद इसको एक ऐसे लकीर खींच देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कट करके यहाँ एक ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका बस्तर संभाग, ठीक है। तो जिले देख लीजिए, ये वाला है कांकेर, ठीक है। ये हुआ आपका नारायणपुर, ये हो गया आपका कोंडागांव, ठीक है। ये हो गया आपका बीजापुर, ठीक है। ये हुआ आपका क्या, दंतेवाड़ा, ठीक है। ये हुआ आपका बस्तर, ये हुआ आपका सुकमा, ठीक है दोस्तों, एकदम इजी है, आसान है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ऊपर की ओर, ठीक है, मतलब बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में ज़िले बनाने के लिए बलौदा बाज़ार को आपको रेफरेंस मानना है। तो यहाँ से एक ऐसे क्लिक करना है, ठीक है, एक डंडी यहाँ ऐसे बनाना है, एक डंडी ऐसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद इसको दो भागों में कन्वर्ट कर देना है, और यहाँ पर गौरेला पेंड्रा बनाने के लिए देखिए यहाँ ये लकीर से है ना, इससे ऊपर थोड़ा ऐसे करके बना देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, बिलासपुर संभाग। देखिए ये बन गया आपका गौरेला पेंड्रा, ठीक है, मरवाही,
ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका मुंगेली, ठीक है, ये हुआ आपका बिलासपुर, ठीक है, और ये हुआ आपका कोरबा, ठीक है दोस्तों, और ये हुआ आपका जांजगीर चांपा, ठीक है, बन जाएगा दोस्तों एकदम आसान है। और ये हुआ आपका रायगढ़, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। उसके बाद आपको सरगुजा संभाग जो है बनाने के लिए क्या है, आपको कोरबा को रेफरेंस मानना पड़ेगा। देखिए कोरबा को रेफरेंस मानने का सिंपल सा तरीका है एक ऐसे, ठीक है, जिला बनाने के लिए एक डंडी ऐसे करेंगे, उसके बाद इसको एक ऐसे खींचना पड़ेगा, उसके बाद एक डंडी यहाँ, ठीक है, ये हुआ आपका कोरिया, ठीक है, ये हुआ आपका सूरजपुर, ये हुआ आपका बलरामपुर, ठीक है, ये हुआ आपका सरगुजा, ये हुआ आपका जसपुर, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों 28 जिला बन गए, ठीक है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनने के बाद बिलासपुर जो है भू आवेष्टित जिला बन गया है, ठीक है। और बस्तर संभाग दोस्तों, बस्तर संभाग के बाद सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर संभाग आता है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आप मैप बना सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। और कुछ इस तरह से मैप आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये ड्रॉ किया हुआ है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।